अस्सलाम वालेकुम। पास पेपर्स वाले पोर्शन में आए और क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 16। आपकी किस बात की एक्सरसाइज? वो संडे वाले? हाँ हाँ ठीक है, संडे तक पहले बंद होगी तो बताते ना, मैं दोबारा करवा दूंगा दिसंबर एंड तक। चले सवाल पढ़ लें यार, फिर एक और भी करना है। जी पढ़ लिया तो मैं करूं। ये सवाल ना, ये उसने बनाया ही सिर्फ उन वर्किंग्स की प्रैक्टिस के लिए है, प्रॉपर कैश फ्लो का नहीं है, उन्हीं वैल्यूज की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है बस। चले करते हैं एक एक करके। गुडविल, गुडविल की इंपेयरमेंट निकालनी है दिसंबर 16। गुडविल की इंपेयरमेंट निकालते हैं। ओपनिंग दी हुई है 1922, क्लोजिंग 17। एक्विजिशन है पता नहीं, और डिस्पोजल भी है लेकिन पता नहीं कितनी, बाकी फिर इंपेयरमेंट होगी। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर किसकी है, क्या खरीदा? सब्सिडी तो खरीदी है, कौन सी? ई एल, पी एल, ई एल। कितने की इन्वेस्टमेंट? 200। इन्वेस्टमेंट तो 200 ही है ना, बेशक उसमें चले इसको तोड़ देता हूं, मैं खोल देता हूं। चले 200 को तोड़ लेते हैं। शेयर एक्सचेंज कितने? 150। और कैश 150। शेयर नहीं है, है तो 1 मिलियन शेयर है ना। एनसीआई फेयर वैल्यू पे, प्रोपोर्शनेट पे, प्रोपोर्शनेट पे। अच्छा, जब पहले वो वाले सवाल होते थे ना बैलेंस शीट वगैरह के, उसमें आपको एक्विजिशन के नेट एसेट्स, कैपिटल रिजर्व्स के थ्रू चलना पड़ता था। नेट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी, या इन अदर वर्ड्स एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हम लोग गुडविल की वर्किंग के अंदर जो नेट एसेट्स लिख रहे होते हैं वो नेट एसेट्स हैं, चाहे तो आप इक्विटी के रस्ते से आ जाएं, चाहे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज के रस्ते से आ जाएं। तो वो नेट एसेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, और वो हम बजाय इसके कि पूरी लिस्ट बनाएं, हम सिंपली एग्जामिनर को बता देते हैं कि जो तुमने एसेट्स दिए हैं हम उसमें से लाइबिलिटीज नेट कर रहे हैं। तो वो दिए हुए हैं उसने कितने, देखें एसेट्स और लाइबिलिटीज को करिए नेट। 222 है, 100 है, 85 एसेट्स हो गए, बल्कि उसने ब्रैकेट भी लगा दिए, टोटल भी दे दिए। अच्छा उसने बता ही दिया, चलो 320 बता ही दिया, 320। और 320 ये है तो एनसीआई कितना होगा 320 का? 40%, 128। ये 320 अगर उसने टोटल ना किया होता ना तो हम ऐसे ही टोटल करते फिर भी, क्योंकि नेट एसेट्स चाहे इक्विटी के रस्ते से आ जाए जो पहले होते थे, या एसेट्स और लाइबिलिटीज के रस्ते से आ जाए 8। तो जो सब्सिडी खरीदी है उसकी गुडविल 8 है। ये यहां आ गया। और जो सब्सिडी बेची है वो भी कभी तो खरीदी थी, किन में? पहले सीधा सीधा सवाल तो
अगर कोई एरर हुआ तो उसको ठीक करेंगे। नेट एसेट्स तो बस उस दिन की वैल्यूज बताई हुई आपने, आप कह रहे हैं जो ग्रुप बैलेंस शीट दी हुई है, अगर उस ग्रुप बैलेंस शीट में कोई एरर है तो फिर वो एरर ठीक कर लेंगे पहले। दूसरी बेची कौन सी है, ये कभी खरीदी थी, कितने की खरीदी थी जी, 560। वैल्यू ऑफ एनसीआई पता नहीं, उस वक्त इसके नेट एसेट्स क्या थे जी, 860 या 560? 860 तो डिस्पोजल डेट में है भाई, हम गुडविल निकाल रहे हैं जो तब थी, 560 थी, 550। देखें ये डिस्पोजल डेट वाली फिगर्स क्यों दी हुई है फिर, ये तो वो जो हमने डिस्पोजल डेट की उसकी फिगर्स को वो इन्वेंट्री की इंक्रीज डिक्रीज में यूज करना होगा, पीपी के अकाउंट में यूज करना होगा, इसलिए फिगर्स दी हैं। गुडविल तो हम निकाल रहे हैं जब खरीदी थी उस वक्त 550 नेट एसेट्स थे, और अगर ये 550 थे तो एनसीआई कितनी थी, 55, और इसके बारे में कहा है कि ये आधी तो उड़ गई हुई थी, ये इसी टेबल के नीचे लिखा हुआ है 32.5, बाकी रह गई 32.5। अच्छा इसकी इंपेयरमेंट बता दी तो बस ठीक है, ये इंपेयरमेंट नहीं है, ये सिर्फ वायल की है और भी होंगी कोई, तो इसलिए हम इस गुडविल को अब डीरेकनाइज कर देते हैं यहां, अब बैलेंस करेंगे तो इंपेयरमेंट निकल आएगी। और यकीनन ये 32.5 इसके अंदर है, लेकिन और भी होंगी कोई है, कहां पर ये हमने गुडविल जो सब्सिडरी बेच दी उसको डीरिकनाइज भी करना है, तो उसकी कैरिंग अमाउंट चाहिए थी, ये था पार्ट ए। हाँ जी पार्ट बी, पार्ट बी क्या पूछा है, डिविडेंड पेड टू एनसीआई, इसके लिए हम वो एनसीआई की वर्किंग करते हैं, अकाउंट बनाना है अकाउंट बना लें, सोसी का फॉर्मेट अच्छी तरह याद है तो सोसी का फॉर्मेट सोच के एनसीआई का कॉलम बना लें, जैसे आपकी आसानी हो, क्या करूँ चले अकाउंट ही बना देता हूँ, अदरवाइज ये जो एनसीआई की वर्किंग है ना ये वही है जो सोसी में एनसीआई वाला कॉलम है। बी डी 1721, सी डी 1499, और इसमें क्या आएगा, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू, ओसीआई एट्रिब्यूटेबल टू, या कह लें टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रिब्यूटेबल टू, तो वो कितनी है, सवाल में दी हुई है, सवाल में दी हुई है 1018। तो ये इसलिए सिर्फ इतनी ही है क्योंकि नहीं होगी फिर कोई अदर रिजर्व्स, होते तो वो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम बता देते, तो ये है जी 1018। और एनसीआई में क्या आएगा, वो तो ढूंढना है, कौन सी इनक्रीज डिक्रीज, अरे ये सामने लिखी तो हुई है यार, जो सब्सिडरी इस साल खरीदी उसकी एनसीआई अब आई है तो वो इधर क्रेडिट होगी, परचेज ऑफ सब्सिडरी 128, और जो सब्सिडरी बेची है जी कितनी, ये जज्बाती आंसर है, ये जज्बाती आंसर है भाई, ये तो तब थी एनसीआई, गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग, सब्सिडरी की वर्किंग डिस्पोजल की कर रहे हो, पिछले हफ्ते में यही तो करते रहे हैं, तो उसमें हम लेते हैं कंसिडरेशन रिसीव्ड, अगर कुछ रिटेन कर लिया तो उसकी फेयर वैल्यू कंसिडरेशन, माइनस उस दिन के नेट एसेट्स, और उन नेट एसेट्स में से एनसीआई वो जो डब्बा भी बनाना था वो कौन से हैं,
उस डिस्पोजल डेट को अगर बैलेंस शीट समझें, उस वक्त एनसीआई की वर्किंग कर रहे होते तो जो वैल्यू निकलती, तो ये 55 वो तो नहीं है। ये 55 क्या है? ये तो जब वायल को खरीदा था तब की है, तो अब क्या करें, वायल को जब बेचा है तब एनसीआई कितनी है? ढूंढे जरा, ढूंढे देखें। हाँ जी, अच्छा वैसे अगर उसको उस गेन एंड डिस्पोजल की वर्किंग के हिसाब से सोचेंगे ना तो डाटा नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस, उसमें हमने एस का कॉलम बनाया होता था, तो वैल्यू एट एक्विजिशन उसमें हम इस रिटेन अर्निंग वाले कॉलम का 20% ले लेते थे। अब डाटा नहीं है, अब इसको सोचते हैं कॉन्सेप्चुअली। वायल को जब बेचा उस वक्त इसके नेट एसेट्स क्या थे? 860। क्या हमने मजीद कोई कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट, अगर कभी होती तो बता देता सवाल में, कुछ नहीं बताया, तो मजीद कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है। चलो वैसे देखें की भी नहीं थी, नहीं बल्कि नहीं हमें पता नहीं है। तो वो जो डिस्पोजल डेट की नेट एसेट्स यानी इक्विटी बता रहा है, तो एनसीआई का उसी में तो हिस्सा है। हाँ, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती फिर जरूर डेटा होता कि आप डिस्पोजल डेट की एनसीआई को निकाल लेते। एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो डेटा ना भी हो तो हम कॉन्सेप्चुअली चल लेते हैं कि इक्विटी 860 थी तो एनसीआई उसी का तो 10% था, इसलिए एनसीआई उस दिन 86 थी। अदरवाइज एनसीआई की डिस्पोजल डेट पे वर्किंग यही सोच के करें कि अभी बैलेंस शीट बना रहे होते तो क्या करते। पिछले सवालों में चूंकि प्रॉपर डेटा होता था ना, तो हम लोग वैसे ही करते थे कि एक्विजिशन डेट पे क्या थी? 55। उसके बाद एस के कॉलम का 20%, अदर रिजर्व्स के कॉलम का 20%, है ना, ऐसे ही करते। लेकिन इस सवाल में डेटा नहीं है, तो इस सवाल में हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल हल निकाल सकते हैं इसका कि अगर डिस्पोजल के वक्त वायल के नेट एसेट्स यानी इक्विटी 860 थी तो उसमें से 10% ही एनसीआई थी। 86 परसेंटेज लगा सकते हैं, लेकिन वो फ्लॉप हो गई थी बात, क्योंकि इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल आ गई थी। और एनसीआई की वर्किंग में कोई मजीद राइट इशू किए हों एस ने? नहीं। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो वो डिविडेंड ही होगा, लेकिन क्या बैलेंस शीट में देख लें कोई डिविडेंड पेएबल टू एनसीआई तो नहीं आ रहा? हाँ, तो इसका मतलब फिर ये डिविडेंड पेड नहीं है। कितना निकला? 1-2। ये पेड नहीं है, पेड के लिए वो पेएबल को साथ मिलाना पड़ेगा, तो यहां से आगे अब डिविडेंड पेड बना लेते हैं। ओपनिंग कितना था? 250। इसमें ये डिक्लेयर्ड मिला लेते हैं और क्लोजिंग निकाल देते हैं 450, तो बाकी डिविडेंड पेड आ जाएगा 1080। ये एनसीआई का डिविडेंड पेड, तो फिर ये पेड होता, लेकिन सवाल में डिविडेंड पेएबल टू एनसीआई बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, तो उसको शामिल करेंगे तो फिर पेड निकलेगा। ये हो गया पार्ट बी। अच्छा, इस सवाल से मैंने शुरू किया है क्योंकि सवाल ना बस इनकी प्रैक्टिस के लिए, ये तगड़े सवालों में नहीं है। तगड़ा सवाल तो पूरी बैलेंस शीट और वो, ये तो सिर्फ नाम ले लेके वर्किंग्स पूछी नहीं है। तगड़ा सवाल तो मैं इसको कहूंगा जिसमें एडिशन इन पीपी भी निकालना हो और प्रॉपर कैश फ्लो का सवाल हो। ये तो कैश फ्लो का सवाल नहीं है, तो उन्होंने आपको नाम ले लेके एडजस्टमेंट पूछी नहीं है बस।
फिर भी अच्छा 16 ये हैं, 16 है ना, और एक से पिछला देखें 21 नंबर, 37 नंबर, ये सीफ है वन की पहली अटैम्प्ट थी, इससे नहीं सीफ है वन की पहली अटैम्प्ट थी, उससे पहले मॉड्यूल ही होता था, यानी सी फैब जो है वो दिसंबर 16 में शुरू हुआ था। अच्छा जी और क्या है, डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट्स, वो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट्स वाली वर्किंग कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट्स का 3528, क्लोजिंग है कोई इनकम स्टेटमेंट के फेस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आ रहा है कितना, 1150। ओसीआई में कोई एसोसिएट का हिस्सा नहीं, ओसीआई कोई नहीं है। मजीद कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की हो इस साल, कोई एसोसिएट बेची हो, होती तो ये पॉइंट में पता चल जाता ना, कहीं पर है ही कोई नहीं, जिक्र ही नहीं है, तो बस यही था जो था। अब इसको बैलेंस कर लें तो वो आ जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड कितना 578। क्या कोई रिसीवेबल डिविडेंड का आ रहा है एसोसिएट से, तो बस फिर ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड के लिए। ओपनिंग कितना रिसीवेबल 700 प्लस ये डिक्लेयर्ड मिला लेते हैं माइनस क्लोजिंग 590, तो डिविडेंड रिसीव हुआ होगा 688। यहाँ तक कोई इतराज़ परेशानी? चौथा जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ सब्सिडरी में क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ सब्सिडरी जो कैश पे किया है माइनस जो उस वक्त सब्सिडरी का कैश हमें मिला, तो ईएल खरीदी है ड्यूरिंग द ईयर और ईएल के एसेट्स में कैश बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो हमें एक और नेगेटिव मिल गया साथ, तो 50 कैश पे किया है और वो साथ हमें 16 का और नेगेटिव मिल गया साथ, तो 66 परचेज ऑफ सब्सिडरी, जितना कैश पे किया माइनस जो सब्सिडरी का कैश हमें मिल रहा है, तो सब्सिडरी का ओवरड्राफ्ट मिल रहा है हमें, तो और नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए पार्ट डी का आंसर आ गया 66। अब ये दो लाइनें लिखने के डेढ़ नंबर आ गए, दो लाइनें क्या एक लाइन लिखने की, और ई जो हमने डिस्पोज ऑफ किया था इस वायल को कितने का किया था, ये पॉइंट नंबर टू की पहली लाइन में लिखा हुआ है 800 का, और इसका कितना कैश खो दिया था हमने 50, तो 750। चले लिख ही देता हूं, डी का आंसर 50 में 16 मिला दें 66, और ई का आंसर 800 में से 50 लेस कर दें 750। लास्ट चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, ये देख लें जी। अच्छा इसको भी एक फार्मूले की शक्ल दे देता हूं, अससे आसानी होगी प्लस माइनस साइन में। हमने इनक्रीज इन करंट एसेट्स नेगेटिव लिखना होता है और लायबिलिटीज में डिक्रीज को नेगेटिव लिखना होता है। अगर एक इन्वेंट्री एसेट है और 2022 में और 2021 में ये आ रहा है 400 और ये है 250, तो इनक्रीज इनक्रीज और इनक्रीज को हमने नेगेटिव लिखना है, तो ऐसा करते हैं फार्मूला बना लेते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग,
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ताकि अगर ये ज्यादा हुआ तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो हाँ हमने इंक्रीज नेगेटिव लिखना होता है। ये कम हुआ तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ठीक है हमने डिक्रीज पॉजिटिव लिखना होता है। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में अगर 2000 ये 100 आ रहा है और 2021 में ये 70 आ रहा था, तो ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज। और लाइबिलिटी में इंक्रीज पॉजिटिव लिखना होता है। तो ये फार्मूला याद रखते हैं आपके, जब करंट एसेट्स की इंक्रीज डिक्रीज लेनी है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और जब करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज लेनी है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ताकि प्लस माइनस की टेंशन ना हो आपको। जब वर्किंग कैपिटल की चेंजेस करनी है तो करंट एसेट्स की चेंजेस करते हुए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और करंट लाइबिलिटीज की चेंजेस करते हुए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, करंट एसेट्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और करंट लायबिलिटीज में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जी लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चलें करंट एसेट्स से शुरू करते हैं। क्या क्या है बैलेंस शीट में देखें, क्या क्या है? इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग कितनी? 5398 और क्लोजिंग 5488। लेकिन जो सब्सिडी इस साल खरीदी है उसको निकाल देना है क्लोजिंग में से। क्या खरीदा है? ईएल। ईएल की क्या थी उस वक्त? वो क्लोजिंग से निकाल देंगे। और जो बेची है उसकी डिस्पोजल डेट वाली, वो ओपनिंग से निकाल देंगे। 1655। अब जो भी आंसर आए प्लस माइनस उसको लिख दें। कितनी? 155 नेगेटिव। और करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें भी ऐसे ही करना है बस। ओपनिंग कितना? 4107। और जो बेची वायल उसके डेटर्स थे? नहीं थे, तो ओपनिंग ठीक है। क्लोजिंग 4659। तो जो सब्सिडी खरीदी है उसके कोई डेटर्स थे? 50। ये प्लस माइनस की तमीज कर लेना, वैसे कैलकुलेटर को ब्रैकेट लगा देना, वो खुद ही समझदारी कर लेगा। 502 नेगेटिव। और करंट एसेट्स में, और अदर करंट एसेट्स, ओपनिंग कितने? 1300। लेकिन इस अदर करंट एसेट्स में कोई वो मिलावट तो नहीं है ममनू आइटम्स की, कोई डिविडेंड रिसीवेबल की या कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल की? क्योंकि मिलावट हो तो वो पाक कर लेनी है पहले। है जी, है कोई मिलावट? पाक है जी। तो 1300 में से क्या माइनस कर लूं? जो सब्सिडरी बेची उसमें है कोई अदर करंट एसेट्स? नहीं। चले क्लोजिंग, इसमें से क्या माइनस कर लूं? जो सब्सिडी खरीदी उसमें कोई करंट एसेट्स है? नहीं है। तो बस 1300 माइनस 1500, 200 नेगेटिव। और क्या है? बस करंट लाइबिलिटीज देखें, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। और चूंकि अब लाइबिलिटी की बात आ गई तो अब करना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कितने हैं क्लोजिंग? 1499। जो सब्सिडरी खरीदी ईएल उसके तो नहीं कोई पेबल, वो इन क्लोजिंग में से निकाल लें। और ओपनिंग कितने? 17। जो सब्सिडरी बेची उसमें कोई पेबल थे तो वो इस, ये ओपनिंग लिखना है ना यहाँ पर? अच्छा क्लोजिंग है,
ये 1499 गलत है, 1805 0, ये सही है और ओपनिंग भी गलत है, नहीं हाँ ठीक है ओपनिंग 1707 और जो सब्सिडरी बेची है करंट एसेट्स थे तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने, ओपनिंग में से बेचे हुए वाले को निकालना है, क्लोजिंग में से खरीदे हुए वाले को निकालना है। लायबिलिटी में हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर रहे हैं, क्लोजिंग में से खरीदे हुए वाले को निकालना है, ओपनिंग में से बेचे हुए वाले को निकालना है। ये तो याद ही करना पड़ेगा, लिखवा तो है, लिखा तो है और क्या लिखवाऊं, लिखा तो है। करंट एसेट्स ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, करंट लायबिलिटीज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, बता रहा हूं ना, करंट एसेट्स ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, करंट लायबिलिटीज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब ये क्लोजिंग ओपनिंग की जो भी जगह है, अब इस जगह से हट के एक बात, जो सब्सिडरी खरीदी है उसको क्लोजिंग में से निकाल दें, जो बेची है उसको ओपनिंग में से निकाल दें, जगह जहां भी हो। पेबल्स ये क्लोजिंग लिखा हुआ है, जो खरीदी है उसके पेबल निकाल दें, 36 ही है, ये ओपनिंग लिखा हुआ है, जो बेची है उसके पेबल निकाल दें, 80। वन जीरो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और कुछ करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, लेकिन हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी होती। और क्या आ रहा है, आ रहा है डिविडेंड पेबल आ रहा है, उसकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी होती। करंट एसेट्स में भी कुछ ना कुछ आ रहा है, डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है, उसकी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी होती। ठीक है, ये आ गए 16 नंबर, लेकिन ये तो अभी बस दाढ़ गीली करने के लिए सवाल था। अब एक सवाल करते हैं, हैं फार्म जाना है अभी तो, कोई बात नहीं ना जाओ, नहीं तो विच एवर इज अर्लियर ना, जहां आ गए बस वहां रुक जाए। नहीं करना तो खुद ही कर लें, सवाल नहीं करता मैं बोर्ड पे, हैं बता दें देख लें, मैं भी खुशी हूँगा छुट्टी करके, मैं भी कोई घर से नहीं निकाला हुआ, लेकिन अच्छा चलें फिर एक सवाल करते हैं और अच्छा जी कैश फ्लो आया था आखिरी बार, ओए होए होए, दिसंबर 18 दिसंबर 18 में आखिरी बार आया था है, ओए यार तो वाकई बहुत हो गया, ये तो 2019 पूरा गुजर गया, 20 आधा गुजरा, 21 पूरा गुजर गया, कितनी हो गए अटेम्प्ट्स, 7 अटेम्प्ट्स हो गई, नहीं 6 अटेम्प्ट्स, वो समय एक अटेम्प्ट में दो, ये तो फिर चांस है भाई कैश फ्लो का। लेकिन दिसंबर 18 वाला जो सवाल है ना, ओए होए होए होए, वो इतना हैवी सवाल है, इतना हैवी सवाल है कि नहीं दिसंबर 18 नहीं करा रहा, उसमें फॉरेन करेंसी भी शामिल थी, दिसंबर 18 भी नहीं कर सकते, वो करना भी हुआ तो आपने तो वो फॉरेन करेंसी के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन कंसोलिडेशन इन्वॉल्व है, तो दिसंबर 18 से पीछे यही था, उससे और पीछे चलते हैं तो उससे पीछे सवालों में एक 15 वाला सवाल है, चलें जो आपका दिल है वो कर लेते हैं। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर
एक है जी क्वेश्चन नंबर 16, एक है उससे और पीछे चलें तो दिसंबर 11, क्वेश्चन 9, और एक और से पीछे चलें तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9 और कौन सा 16, बताएं जी कौन सा करें जो जल्दी हो जाए। नहीं, एक जैसे ही है सर। दिसंबर 18 छोड़ के कैश लो मुनासिब सवाल है। दिसंबर 18 जो उसने बनाया ना, वो मुझे समझने में, उसको सॉल्व करने में वो बहुत अजीब सा सवाल है, वो पेपर में नहीं हो सकता आपसे। दिसंबर 18 और दिसंबर 20, ये उन्होंने पेपर बनाया ही ये सवाल इसलिए था कि ना हो बच्चों से। दिसंबर 18, दिसंबर 20, ये दो बहुत ही अजीब सवाल थे। नहीं, असल में ना होता ये होगा कि एक सवाल बनाने वाला ना सब, क्योंकि मैंने जब टेस्ट वगैरह किया, मॉक टेस्ट बनाता रहा कभी, तो एक सवाल बनाया, सोचा कि नहीं इसमें ये मुश्किल ऐसे डाल लेते हैं। दो तीन मुश्किलें डालते डालते वो मुश्किलें डाल के ऐसी मैस मच गया कि फिर सवाल बनाने वाले ने कहा बस अब जो बन गया बस ठीक है। क्योंकि जिस दौर के सवाल हैं उस दौर में ना कोई प्रॉपर रिव्यू होता होगा, क्योंकि उसके बाद आईकैप ने बहुत इंप्रूवमेंट कर ली, रिव्यूअर्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हायर कर लिए। नहीं है, आप एक बार क्वालिफाई कर जाएं फिर आपकी फिक्रें स्टूडेंट्स पे रही नहीं जानी। अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं ना, इसलिए आपको लग रहा है कि सब कुछ स्टूडेंट्स ही हैं। एक बार क्वालिफाई करें फिर आपको इतना कुछ और टेंशन होंगी तो आपको लगेगा नहीं सही होता है। आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि बस जो हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ वो सही हो रहा है, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको लगेगा कि बस, क्योंकि आप गुजर आए होंगे ना तो आपको लगेगा नहीं सही हो रहा है, यही होना चाहिए, तो इसलिए भूल जाएंगे सारी बातें आगे निकल के। अच्छा अच्छा एक सवाल तो करना है ना भाई, एक चलें जून 15 करा देता हूं, यानी ये क्वेश्चन 16। नहीं बस देखें रिकॉर्ड टाइम में करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 16। चल सवाल पढ़ ले यार, सवाल पढ़ ले। अच्छा मैंने ये दो ही सवाल बोर्ड पे कराने थे, उसके अलावा मैंने आपको दो बता दिए सवाल हसबे तौफीक। एक मैंने बताया दिसंबर 11, यानी बुक में क्वेश्चन 9, और एक दिसंबर 10, यानी बुक में क्वेश्चन 7। ये हसबे तौफीक हैं, किसी को हो जाए तौफीक तो कर लें। कल इंशाल्लाह फिर फौरन कंसोलिडेशन 7, और एक दिसंबर 18 भी है लेकिन वो फौरन कंसोलिडेशन के बाद।
उसके बाद लीजेस कराऊंगा इंशाल्लाह। है लीजेस में डेफिनेट नहीं है, लीजेस आसान है, वो आपने कैफ में ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ लिया होता है, थोड़ा सा बस और है सीफेम में, बाकी कैफ वाली है। चलें देखते हैं, वो असल में कैफ भी लोगों का पुराना पुराना होता है ना, तो कराना तो सारा ही पड़ेगा, लेकिन वो मुश्किल में नहीं है लीजेस। ये मैं कर रहा हूँ इस वक्त जून 15। कंपनी का नाम, ग्रुप का नाम MGC, और हम बना रहे हैं कंसोलिडेटेड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2014। और इनडायरेक्ट मेथड का, अच्छा वो जो दो सवाल बताए उनमें से ना एक शायद डायरेक्ट मेथड का भी है वैसे, हैं? क्वेश्चन नाइन शायद डायरेक्ट का है, हाँ क्वेश्चन 9 डायरेक्ट मेथड का। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले PBT, तो इनकम स्टेटमेंट चूंकि दी हुई है तो ये वहां से पता चल जाएगा कितना 111150। और ये हम बनाया करते हैं 2 कॉलम, तो ये इनर कॉलम में है अभी 111150। आगे बेस बनाए फॉर्मेट को, उसके अलावा फिर उसके कुछ एक्स्ट्रा सवाल में लगे तो उसको हैंडल कर लें, लेकिन चेकलिस्ट के तौर पे अपने जहन में फॉर्मेट ही रखें। अब हम करते हैं नॉन कैश आइटम्स एडलेस, तो डेप्रिसिएशन दी भी है जी, कितनी 3850, ये आपको नजर आ रही है आखिरी पॉइंट में जी। डेप्रिसिएशन गिवन है कितनी 385, ये लास्ट पॉइंट में दी हुई है। और क्या क्या ऐड होता है, फॉर्मेट रख लें सामने बेशक, अभी तो नहीं फौरन याद हो गया। इंपेयरमेंट, पीपीई की इंपेयरमेंट है कहीं सवाल में, कहीं पीपीई की इंपेयरमेंट के बारे में कोई इंडिकेशन है? देखें इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन है उसका देख लें क्या करना है, बाद में फॉर्मेट देख के सोच लें कि कुछ रह तो नहीं गया, या फिर यह तरीका कि पहले फॉर्मेट की चीजें पूरी कर लें फिर सवाल देख के देख लें उसमें कुछ, जैसे मर्जी कर लें। हैं नहीं तो आपने एक बार सवाल पढ़ा, अब जब एक बार सवाल पढ़ लिया तो अब मैंने ये सवाल अभी पढ़ा है, मैंने को रोज याद तो नहीं किया होता, अभी मैंने अगर इसमें इंपेयरमेंट देखनी है तो मैं फिर से थोड़ी पहली लाइन से देखना शुरू करूंगा, पीपी की इंपेयरमेंट देखनी है मैंने, मैंने सवाल पढ़ा हुआ, पूरा सवाल मेरी आंखों के सामने है तो मुझे नजर आ रहा है कि पीपी वाला पॉइंट ही पॉइंट 3 है। नहीं मैं अगर आप इसको देखें एक वक्त में तो पूरा सवाल नजरों के सामने है, कच्ची कच्ची आंखों से भी नजर आ रहा है कि वो 0.1 सब्सिडी खरीदने की इंफॉर्मेशन है, 0.2 बेचने की इंफॉर्मेशन है, 0.3 में पीपी की लिस्ट है, इधर फेस के ऊपर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। अगर इंपेयरमेंट देखनी भी तो कहां देखेंगे, या तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे देख लेंगे, बैलेंस शीट में तो नहीं ढूंढ रहे होंगे ना, या 0.3 में देख रहे होंगे, तो कितनी बार सवाल पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल आपकी मर्जी है, दोनों तरीके ठीक है, चाहे सवाल की तरतीब से चल लें बाद में फॉर्मेट चेक कर लें, या फॉर्मेट की तरतीब से चल रहे हैं बाद में सवाल चेक कर लें, जैसे मर्जी कर लें। चलें सवाल की तरतीब से चल लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट पे देखें और क्या क्या है। अच्छा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले एड एड वाली चीजें लिखें फिर लेस लेस वाली चीजें, कोई मसला नहीं है, मैंने तो फॉर्मेट में याद रखने में आसानी हो इसलिए मैंने एड वाली लिस्ट पूरी की थी फिर लेस वाली लिस्ट की थी ताकि याद रखने में आसानी हो, अदरवाइज कोई मसला नहीं है कि आप यहां पर पहले एड लिखें ना लिखें एड, पता है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो मैंने तो एड लेस अलग अलग सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि याद करने में आसानी हो, वरना सवाल की तरतीब से लिखते जाए। तो डेप्रिसिएशन लिख ली, चलो अब आगे क्या लिखूं, सवाल की तरतीब से चल लेते हैं ठीक है। हाँ जी गेन ऑन डिस्पोजल, इसको क्या करना है, इसको लेस करना है। अच्छा चूंकि मुझे कैमरे के पार आवाम नजर नहीं आ रही है तो मैं दोनों का ख्याल रखे ये अलग अलग भी तोड़ देता हूँ, फॉर्मेट के हिसाब से जो चलना चाहें और जो सवाल के हिसाब से चलना चाहें वो भी ठीक है। तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी ये कर देता हूं लेस, कितना 2,
मैं फिर बता रहा हूं, यह जरूरी नहीं है कि आप एड इकट्ठे और लेस इकट्ठे लिखें, बस आइटम बाय आइटम चलते जाएं, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लिखें, जो एनलेस है वो नेगेटिव लिख लें। और आगे इनकम स्टेटमेंट के फेस पे चलें, फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस करना होता है एड, कर देते हैं एड बैक, कितना क्या कह रहे हो गेन का, तो ये किया तो है मैंने, ये क्या लिखवाया, अरे मैंने भी कहा तो था यार कि सवाल की तरतीब से चल लेते हैं, सवाल की तरतीब से चलें कि फॉर्मेट से चलें बताएं, सवाल की तरतीब से चल रहे हैं, ठीक है सवाल की तरतीब से चल रहे हैं। तो सवाल में मैंने बैलेंस शीट में तो नहीं चीजें वो ना जो है एडलेस करनी है, तो इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगी, अदर इन्फॉर्मेशन से मिलेंगी, तो रेवेन्यू से शुरू किया मैंने, और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी आया था 1000, ये लेस कर दिया, फिर आगे फाइनेंस कॉस्ट ये ऐड बैक कर दी, क्योंकि ऐड करनी होती है, क्यों ऐड करनी होती है, क्योंकि नीचे अलग से पेड दिखाना होता है। चलें और आगे, इनकम फ्रॉम एसोसिएट लेस करनी होती है, लेकिन देख लें कहीं पी टू ए यूआरपी तो नहीं है, है नहीं है, तो यहां से कर दें लेस, कितनी 1150। और आगे चलें, पीबीटी इनकम टैक्स एक्सपेंस और नीचे वाली चीजें तो वैसे ही अलग है, हम तो पीबीटी से शुरू किए हैं ना। अब और बाकी सवाल में देखें, पॉइंट वन में, पॉइंट टू में, पॉइंट थ्री में कोई चीज जो यहां एड लेस करने वाली होती हो, क्या जी, नहीं नहीं इनकम फ्रॉम एसोसिएट इन्वेस्टिंग में नहीं दिखा रही, ये तो एक नॉन कैश चीज है ना, तो प्रॉफिट का हिस्सा दिखाया होता है, इन्वेस्टिंग में तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट आता है बस। जी पॉइंट वन और पॉइंट टू के अंदर कोई इनकम एक्सपेंस जो एड लेस करना हो, नहीं, पॉइंट थ्री में आते हैं, पॉइंट वन टू में कुछ नहीं है, है? हाँ तो तरतीब से ही चल रहे हैं ना, तो मैं सवाल की तरतीब में तो थ्री से पहले वन टू आएगा ना कि नहीं आएगा, आएगा तो मैं वन पे आया हूँ, कुछ नहीं है वन में, वन में टू में कुछ यहाँ पर एडलेस करने वाली चीज नहीं होती, गुडविल की इंपेयरमेंट होती है ना, हाँ तो अब इसको हमें छोड़ के गुडविल की वर्किंग्स पे जाना पड़ेगा, मैं सवाल की तरतीब से चल रहा हूं तो हमें गुडविल से निकालनी पड़ेगी। बीडी कितना 18500, सीडी क्या जी, तो वही तो ढूंढ रहे हैं, है ना वैल्यूज है ना, चेक करेंगे ना, गुडविल का बीडी है, सीडी है, सब्सिडी खरीदी है, बेची है, तो देखते हैं ना होगी इंपेयरमेंट। 19300 वो तो किसी एक का ही बताया होगा ना, पता नहीं 50 सब्सिडरीज हैं, पिछले सवाल में सिर्फ एक का बताया था, और वो भी इसलिए बताया था ताकि उसकी कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल निकाल सकें, क्योंकि उसको बेचना था, अब बाकी भी तो और बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, तभी तो ग्रुप बैलेंस शीट बनी हुई है, तो ये चेक ही करना पड़ेगा। पिछले सवाल में इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल की वर्किंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसने वायल के बारे में कहा था कि 50% इंपेयर्ड है, वो ना भी बताया होता फिर भी हमें ये वर्किंग करके देखनी है, क्योंकि कंसोलिडेशन के कैश फ्लो के अंदर ये दो तीन तो मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं, वरना उसने सादा कैश फ्लो ही पूछ लेना है, फिर ये दो तीन ही तो चीजें हैं इसके अंदर। तो सब्सिडरी खरीदी होगी वो यहां आ जाएगी, अगर कोई बेची होगी तो उसकी गुडविल यहां आ जाएगी, तो ये 1.1 कर देता हूं, ये मैं 1.2 कर देता हूं। कौन सी खरीदी है इस साल, जीएल, कितने की खरीदी, कितनी 15000, एनसीआई फेयर वैल्यू पे थी 3400, उस वक्त इसके नेट एसेट्स क्या थे, 14। एसेट्स और लाइबिलिटीज की लिस्ट दी हुई है, कर लें उनको नेट, बल्कि किया तो हुआ यार, किया हुआ है ना, 14900, कितनी गुडविल, कितनी 4500, ये आ गई वो जो सब्सिडी खरीदी है उसकी, और जो सब्सिडी बेची है वो कितने की खरीदी थी, एसएल कितने की खरीदी थी, 6000 की,
उसकी एनसीआई कितनी थी है? इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई उस वक्त इसकी क्या थे 7300 ये इंपेयर तो नहीं हुई नहीं तो ये आ गई 1900 ये आ गई इंपेयरमेंट 800 ये इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल चाहिए थी जी 800 और पॉइंट टू में ये तो बेचने वाली चीज है इस पे गेन या लॉस हुआ होगा तो वो उन्होंने खुद ही बता दिया पॉइंट थ्री में तीसरे दूसरे बुलेट पॉइंट में बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर एक प्लांट बेचा है और उस पे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ था 250 तो वो लेस कर लेते हैं कितना 250 और कुछ एड लेस वाला हाँ जी क्या तो वो तो रिवेलेशन है ना वो तो ओसीआई है 2000 जी और कुछ एड लेस वाला सवाल में नहीं चलें आप फॉर्मेट देख लें फॉर्मेट देख के तसल्ली कर लें कुछ और रहता नहीं गया पहले फॉर्मेट देख लें बाद में सवाल की चीजें देख लें कुछ रह तो नहीं गया या पहले सवाल की तरतीब चल लें बाद में फॉर्मेट देख लें कुछ रह तो नहीं गया और कुछ देखिए एडलेस करने वाली कोई चीज क्या बा कर लें पूरा सारे सवाल एक साथ खोल के बैठ कर लें कोई मसला नहीं क्वेश्चन में पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे तो 5-7 खोल लें कोई मसला नहीं अच्छा ये एक बच्चे का ओपिनियन है कि हम इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग सारी साथ ओपन कर लें मैं ना ग्रुप बैलेंस शीट इसलिए सारी ओपन कर लेता था क्योंकि उसमें हर एडजस्टमेंट को हमने इंश्योर करना होता था कि डबल इफेक्ट करें तो ये ना हो कि हमने सारी साथ खोली ना हो तो फिर दूसरा इफेक्ट करने की बारी आई तो भूल चुके हूं इसलिए मैं उसमें साथ सारी वर्किंग्स खोल लेता था एसओसीआई क्यों सारी खोल लेते थे उसमें भी ऐसे ही था कि कोई चीज हमें कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करके हो सकता है दूसरी की इनकम से लेस करनी होती फिर जो भी एडजस्टमेंट थी हो सकता है साथ ही साथ वो एनसीआई में भी करनी होती इसलिए मैं एसओसीआई भी सारी ओपन कर लेता था इसमें कोई आपस में कनेक्टेड चीजें हैं नहीं यानी इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैंने यहां पर लिखना है और साथ ही साथ वो दूसरा इन्वेस्टिंग में भी लिखना है तो इसमें सारी ओपन करके कोई खास फायदा नहीं होगा इसलिए मैंने सारी ओपन नहीं कराई मैं आपको कह रहा हूं ना कि पेपर के 5 क्वेश्चन साथ खोल लेना सारे 5 देखो मुझे तो जो लगा मैंने बता दिया कि इनका आपस में एक्टिविटीज में कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए मैंने नहीं ओपन की आप 5 सवाल ओपन कर लेना बल्कि कहना मुझे आप एक और पेपर दे मैंने एसपीएम भी अभी खोल लेना मैं आया चुका हूं एसपीएम भी साथ ही खोल लेना तो खोल लें खोलना है तो कोई मसला नहीं ठीक है खोल लें अरे तो क्या रजिस्टर तक तो खोला नहीं हुआ यार रजिस्टर तक खोला नहीं हुआ कैलकुलेटर खोला नहीं है और सवाल खोल लूं मैं सारा चले आगे चलते हैं जी आगे चलते हैं और कुछ एडलेस वाला ठीक है कोई डिविडेंड इनकम कोई तो डिविडेंड पेड तो यहां होता भी नहीं ना चले बस इतना ही था अब इसका बैलेंस कितना 13750 ठीक है ये क्या चीज बन गई ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अंग्रेजी लिखनी है तो लिख दे नहीं तो कोई इतना मसला नहीं है आगे
वर्किंग कैपिटल की चेंजेस। तो उसके लिए करंट एसेट से शुरू कर देते हैं, इन्वेंट्रीज। अच्छा, इसमें भी ना कुछ जरूरी नहीं है कि आप इंक्रीज और डिक्रीज का वर्ड लिखें, बस इन्वेंट्री लिखी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप इंक्रीज इन इन्वेंट्री और डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखें, बस इन्वेंट्री लिखें वही जो मैंने उधर किया था पिछले सवाल में, और ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस करते जाएं। जी जी, अच्छा अभी सवाल पूरा कर लो ना, फिर क्लास एंड करके बता दूंगा। और फिर भी अगर किसी को लगे कि इंक्रीज डिक्रीज जरूर लिखनी है, तो फिर आप ऐसा करें कि क्रीज लिख लें, हाँ क्रीज लिख लें, क्रीज इन इन्वेंट्री, बाकी डी और आई एन लगा देना, क्योंकि हमें नहीं पता ना सॉल्व करने से पहले कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो आप लिखें क्रीज इन इन्वेंट्री, अब ब्रैकेट में लाएं, करंट एसेट्स हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग के, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग, अच्छा और ओपनिंग में से सेल होने वाली सब्सिडी निकाल दें और क्लोजिंग में से परचेज होने वाली सब्सिडी। तो जो ओपनिंग है इन्वेंट्री का कितना 4350, और इसमें से निकाल दें बेचने वाली सब्सिडी 1650 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोबारा बोले 4350 माइनस माइनस क्लोजिंग 4700 माइनस जो खरीदी वो माइनस कर दें 600 नेगेटिव, यानी ये है इंक्रीज। और करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक करना नहीं है तो बस ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इसी से आगे चल रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी चूंकि एसेट है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग कितना 30, इसमें से बिकने वाली सब्सिडी के डेटर निकाल लें 1500 माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितने, इसमें से खरीदने वाले को निकाल लें 2400 300 पॉजिटिव, तो ये हो गया इंक्रीज, नहीं सॉरी डिक्रीज। करंट एसेट्स हो गए, करंट लायबिलिटीज, इनकम टैक्स को करना नहीं है, एक्रूड इंटरेस्ट को करना नहीं है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं बस। तो क्रीज इन ट्रेड पेबल्स, अब ये लायबिलिटी है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग में से खरीदे वाले को माइनस कर दें 1800 और ओपनिंग में से बेचे वाले को माइनस कर दें, ओपनिंग कितना है 7250 और बेचा हुआ 800, नेगेटिव का मतलब है इंक्रीज, नहीं यार डिक्रीज, लायबिलिटी है ये। ये हो गए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, इनका नेट आंसर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तेरह तीन सौ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या जी, नहीं नहीं अभी चीजें रहती हैं, टैक्स पेड माइनस करना है, फाइनेंस कॉस्ट पेड माइनस करनी है, टैक्स पेड जी, टैक्स पेड है कहीं, टैक्स बहुत कुछ है, डेफर टैक्स भी है, करंट टैक्स पेबल भी है, टैक्स जो कुछ है इधर फेंक दें, ओपनिंग लायबिलिटी, करंट टैक्स पेबल, करंट लायबिलिटीज में, हाँ जी डेफर लायबिलिटीज वाला देखें क्या क्या बी डी है, कितना डीटीएल और टैक्स पेबल भी आ रहा होगा करंट लायबिलिटीज में 35
25। इसी तरह क्लोजिंग डीटीएल भी आ रहा होगा या डीटी आ रहा है? डेफर टैक्स लाइबिलिटी है कि डेफर टैक्स ऐसे लाइबिलिटी है 1500, और टैक्स पेबल भी आ रहा होगा 38। टैक्स एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट से नजर आ जाएगा 22250। जो भी हम अकाउंट बना के वर्किंग कर रहे हों उसमें खरीदी बेची सब्सिडरी वालों को भी यहां डाल देना, जैसे मैंने पीपीई की मिसाल दी थी। तो जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं वर्किंग के अंदर उसमें खरीदी भी सब्सिडरी के और बेची भी सब्सिडरी के, वो भी रेलिवेंट आइटम्स डाल लेनी है। जैसे इस साल में हमने सब्सिडरी खरीदी, तो जब सब्सिडरी खरीदी तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी हमारे जिम्मे आ गई। कितनी? तो कहां लिखूं उसको? टैक्स लाइबिलिटी और हमारे जिम्मे आ गई इधर। तो ये सब्सिडरी हमने खरीदी है इस साल एक्विजिशन ऑफ जीएल कितनी 400, और वो जो सब्सिडरी बेची है उसमें थी कोई टैक्स लाइबिलिटी? नहीं थी। अगर होती तो वो इधर आ जाती, जो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब इसको बैलेंस करें तो टैक्स पेड निकल आएगा 1850। बस थोड़ा सा रह गया सवाल, और इधर क्या आता है? इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड है कहीं सवाल में? हाँ जी, एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है। तो ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 75। बस इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना और माइनस पेबल कितना रह गया? तो बाकी पे हो गया होगा 300। और यहां क्या एडलेस होता? डिविडेंड। नहीं, डिविडेंड तो इन्वेस्टिंग में रिसीव्ड और पेड फाइनेंसिंग में बस। हाँ, अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कंट्रीब्यूशन पेड हो वो जरूर लिख देंगे, तो वैसी कोई है नहीं चीज। या है कहीं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं ना अगर डीबीओ, तो उसकी कंट्रीब्यूशन पेड हम जरूर लिख देते हैं यहाँ, तो वो है नहीं यहाँ। तो बस ये हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म। 111 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या जी? हाँ जी, उनको ऊपर एडबैक कर रहे होते कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो फॉर्मेट पे देखे ना, वो हमने एडबैक किए हुए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगे। हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो चले अभी सामने है वो तो करें ना। परचेज ऑफ सब्सिडरी, परचेज ऑफ सब्सिडरी में क्या लिखते हैं? जितने पैसे दिए हैं माइनस जो सब्सिडी का कैश आ गया। नहीं नहीं, एनसीआई नहीं, जितने पैसे दिए हैं यानी 15,000 माइनस मिल क्या गया 14,200। सेल ऑफ सब्सिडी, जितने पैसे मिले हैं 80 माइनस जितना गया 500 गया 8,000। और इन्वेस्टिंग में जी, बैंक ओटी है तो ऐड हो जाता। और इन्वेस्टिंग में पीपी है, उसकी वर्किंग बनानी पड़ेगी। पीपीई का बीडी 16,250, सीडी 25450। और पीपी में क्या क्या पता है सवाल में? खरीदी हुई सब्सिडरी का यहां आ जाएगा, खरीदी हुई सब्सिडरी यानी जीएल 12, और बेची हुई सब्सिडरी को यहां से निकाल देंगे 7250।
और पीपी के बारे में क्या क्या पता सवाल में? एक पीपी डिस्पोज हुआ है जिसकी बुक वैल्यू थी 2500, और क्या पता है? डेप्रिसिएशन पता है 3850, और क्या पता है? रिवैल्यूएशन हुई है कितनी? 2000, और क्या पता है? बस, तो अब इसको बैलेंस करें तो यकीनन एडिशन होगी। हम्म, 8000, ये पीपीई की वर्किंग। कहाँ जी, किधर? 800। परचेज ऑफ सब्सिडरी में हमने यहां लिखना है कि जितने पैसे हमने दिए सब्सिडरी खरीदते हुए, लेकिन उसके बदले सब्सिडरी के एसेट्स भी तो हमारे पास आए ना, तो उनमें को कैश भी तो होगा। वो देखिए जीएल वाले पॉइंट नंबर 1 की लिस्ट में, ये वो नेट कर दिया। इसी तरह जो सब्सिडरी बिक रही है, बेच के कैश आ रहा है, लेकिन उसके जो एसेट्स कंसोलिडेट किया करते थे वो गए, तो कैश गया उसका। परचेज ऑफ पीपी, वर्किंग 3, 8000, और सेल ऑफ पीपी बताया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, बताया हुआ है 2750। और इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का डिविडेंड रिसीव्ड, ये दो तीन ही तो वर्किंग है। गुडविल की इंपेयरमेंट की वर्किंग है, और एसोसिएट के डिविडेंड की वर्किंग है, और एनसीआई के डिविडेंड की वर्किंग है। तो सवाल में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है नहीं है? बस खत्म हो रहा है सवाल। सवाल में नहीं है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वो नॉन करंट एसेट्स में हाथ हो रहा है यार। कौन सा सवाल देख रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है ना बैलेंस शीट के अंदर। हाँ, तो फिर इसका मतलब डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट भी होगा, तो उसके लिए कर लेते हैं वर्किंग। नहीं नहीं, वो फॉर्मेट देख रहा था असल में। वर्किंग 4, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एसोसिएट इन्वेस्टमेंट का बीडी 5400, सीडी 6200। और इसमें क्या आता है? एसोसिएट के प्रॉफिट का हिस्सा, ये कहां से मिलेगा? एसोसिएट के फेस से, कितना? 1150। फिर ओसीआई में हिस्सा 500। ये दोनों चीजें एसोसिएट के फेस से मिल जाएंगी। क्वेश्चन में एसोसिएट का फेस देखें, एक इनकम फ्रॉम एसोसिएट आ रहा है, यही है वो, ये, और एक ओसीआई में आ रहा है। क्या जी? वो असल में ना, अगर यहां पर कहीं रिटायरमेंट बेनिफिट का एक्सपेंस आ रहा होता वो एडबैक कर देते, और जो कंट्रीब्यूशन पेड हैं वो हम यहां कैश जनरेटेड के बाद लेस कर देते। उसके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो जो एसओसीआई के फेस पे अगर आ भी रहा है तो वो तो वैसे ही ओसीआई आइटम आ रही है ना, तो ओसीआई आइटम का तो यहां पर कोई काम ही नहीं है। उसके अलावा हमें कहीं लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही, कहीं पर हमें यह पता नहीं चल रहा कि कंट्रीब्यूशन पेड कितना है, तो है ही नहीं डेटा इसमें कहीं। शायद ऐसा होता होगा कि फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स और पीवी ऑफ डीबीओ बराबर होता होगा, तभी जीरो आ गया। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में और क्या आता है भाई? अगर कोई और इन्वेस्टमेंट की है एसोसिएट में, कोई एसोसिएट बेची हो, कुछ नहीं है, तो बस इसको बैलेंस कर दें तो डिविडेंड आ जाएगा। कितना? कहीं डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट का रिसीवेबल आ रहा है, तो बस फिर यही डिविडेंड रिसीव्ड है, तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट। $850, ये हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 10600 नेगेटिव कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
बस थोड़ा सा रह गया सवाल। अच्छा ये सवाल तो खैर हो गया, दो लाइनें रह गई हैं। क्या क्या मुश्किलें इसमें लग रही हैं आपको? एरिया है, फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, और बाकी तो देखें इसमें ना ज्यादा बड़ी मेहनत कैश फ्लो वाली ही है। कंसोलिडेटेड वाली तो दो एडजस्टमेंट्स हैं सिर्फ, बाकी आप ये चीजें तो याद करनी पड़ेंगी कि क्लोजिंग में से एक्विजिशन वाली माइनस, ओपनिंग में से डिस्पोजल वाली माइनस, और ये जो दो तीन लाइनें और एक्स्ट्रा आ रही हैं फॉर्मेट पे हैं। इजी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके लिए देखना है इक्विटी और डेट का पोर्शन। तो इक्विटी में देखें कैपिटल तो वैसे का वैसा ही है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स तो नहीं है, और इक्विटी में कुछ और अदर रिजर्व्स तो अच्छा हाँ, आपको ना सवाल में अगर डिविडेंड का जिक्र नहीं भी किया, पैसे तो उसमें किया हुआ डिविडेंड, डिविडेंड पेड आ रहा है, सबसे आखिर में, सबसे आखिरी पॉइंट, ये बात ना मैंने कैश फ्लो के नोट्स में पीछे लिखी हुई है, जहां कैफ रिवीजन की है ना वहां मैंने बात लिखी हुई है कि अगर क्वेश्चन में आपको डिविडेंड का जिक्र नहीं भी किया हुआ, आप फिर भी रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग बना के देखें, उसमें छुपा हुआ हो सकता है। ये कैफ वाली उन्हीं नोट्स में लिखा हुआ है कि अगर आपको सवाल में डिविडेंड का जिक्र नहीं भी किया, फिर भी आप रिटेन अर्निंग्स वाला कॉलम बना के देख लें, सोसी में जो रिटेन अर्निंग वाला कॉलम है वो बना के देख लें, उसमें छुपा हुआ हो सकता है। बहरहाल इन्होंने बता दिया डिविडेंड, तो डिविडेंड पेड आ जाएगा, ये वो डिविडेंड है जो पी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया, कितना 1250, और एक डिविडेंड टू एनसीआई आएगा, ये कहां से पता चलेगा? एनसीआई की वर्किंग बनानी पड़ेगी, एनसीआई का बीडी 30-200, एनसीआई का सीडी 30-100, और इसमें क्या आता है जो मजीद सब्सिडरी खरीदी, जो इस साल सब्सिडी खरीदी 30-400, और जो सब्सिडी बेची, हाँ जी सब्सिडी बेची, ये तो तब की है, उस वक्त की डिस्पोजल डेट के ऊपर एनसीआई कितनी थी उस वक्त, नहीं एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, उस वक्त अगर एनसीआई की वर्किंग करते तो क्या करते, इसी वर्किंग फाइव में चल रहा हूं मैं, जो सब्सिडरी बेची उसकी एनसीआई की वर्किंग करते तो करते वैल्यू एट एक्विजिशन 3200, उसके बाद जो आज तक कमाया होता उस पे एनसीआई का हिस्सा, तो उसके बाद से अब तक कितना कमाया, तब के नेट एसेट्स और अब के नेट एसेट्स का डिफरेंस, यही तो है जो बाद में मजीद कमाया है, तब के नेट एसेट्स कितने थे और अब इसके नेट एसेट्स कितने हैं? दोबारा सुने, जो सब्सिडरी बेची है, वैसे तो हम इस सवाल में नहीं कर रहे, अगर गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग कर रहे होते तो उसमें जो सब्सिडरी का डब्बा होता है ये वो है, तो वो कैसे निकालते हैं? वैल्यू एट एक्विजिशन, जब उसको खरीदा था उसके बाद से अब तक जो सब्सिडरी ने कमाया, तो वो क्या कमाया, जो उस वक्त नेट एसेट्स थे और जो बेचते हुए नेट एसेट्स थे उनका डिफरेंस ही तो आज तक कमाया सब्सिडरी ने, तो आज बेचते हुए उसकी नेट एसेट कितने 98, और तब कितने थे
इनटू एनसीआई का हिस्सा, एसएल में हमारा हिस्सा कितना था? वन थाउजेंड। तो उस वक्त अगर एनसीआई निकालते तो वो इतनी होती। ये वो फिगर निकाली है मैंने कि अगर हम गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग कर रहे होते तो उसमें जो एनसीआई वाला डब्बा लिखते वो ये लिखते 4200, और इसको बैलेंस करेंगे, नहीं अभी नहीं, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कितनी आ रही है एनसीआई को? 1200। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू, जाको जाको बस दो लाइनें रहेंगी, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू 1200। अब इसको बैलेंस करें तो डिविडेंड आ जाएगा 500, और डिविडेंड पेएबल कहीं बैलेंस शीट में आ रहा है? तो बस फिर यही पेड है। और लोन कोई थे? लोन के बारे में बताया कुछ नहीं, बस बैलेंस शीट देख के ही पता लग रहा है कि नया लोन लिया होगा। कितना? हाँ जी, लोन पीपीई, जिस जिस के भी टी अकाउंट की वर्किंग करनी है उसमें सब्सिडरी खरीदी बेची वाली आइटम डाल लेना, जैसे पीपीई में डाली थी अभी। लोन का बीडी सीडी 5000, कोई सब्सिडी बेची खरीदी के पास भी लोन था तो जो खरीदी होगी उसका लोन हमें हासिल हुआ होगा, जो बेची होगी उसके लोन से जान छूटी होगी 300। अब इसको बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा कि नया लोन लिया के वापस किया, लिया है। जो भी कैश फ्लो की वर्किंग करनी पड़े उसके टी अकाउंट में खरीदी बेची सब्सिडी की आइटम्स डालनी है। तो न्यू लोन आ गया 1900, ये बन गया कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सॉरी 1, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है मेरे ख्याल, कैश इनफ्लो और ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ये हो गया नेट कैश फ्लो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर कितने थे जी? बैलेंस शीट में आ रहे हैं, और इनको ऐड कर लें तो ये बैलेंस शीट से टैली हो रहा है, तो ये आ गए 22 नंबर। तो उससे क्या होगा? तो ये होता है जी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। बहुत पढ़ा यार आपने आज। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।